फैसल हुसैन साहब, वो जो एयाज साहब कह रहे हैं ना कि सियासतदान कठपुतली हैं, साफी भी कठपुतली हैं, कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो जबरदस्ती जो है वो नवाज शरीफ साहब को इतना बीमार करने पे तुले पे थे कि सोच है आपकी। हम बोलते थे अल्लाह ताला उनको सेहत दे भाई, इतने बीमार भी नहीं है तो बकायदा वो बदमाश देने पर आ जाते थे। पंजाब हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो भी यही साबित कर चुकी है, डॉक्टर भी यही साबित कर रहे थे। अब यही डॉक्टर कोई साफी हो तो साफ करेगा ना, डॉक्टर की तो बता दिया हमने, उड़न खटोला कह दिया था, मेडिकल है, रोक सकते तो रोक लेते थे। यही आमिर साहब जो आज उड़न खटोला प्रोग्राम में खबर दी थी, हमें बदमाश देने पे आ जाते थे, हमने इसी प्रोग्राम में उड़न खटोला पहले दिन कहा था। आप नहीं चले, आमिर साहब बहुत ज्यादा गलत बयान निकाल रहे हैं, आपने हर दफा पंजाब गवर्नमेंट की कहा कि नवाज शरीफ साहब अपना इलाज कराने ये रिकॉर्ड पे है, आप बहुत गलत बयान कर रहे हैं। आप लाइव प्रोग्राम में अल्लाह ताला आपको सच बोलने की तौफीक दे, लाइव एक अपना बयान दिखा दे आप जिसमें आपने बात कही हो, आपने हमेशा ये बात कही कि वो बीमार है और उनके साथ, हमने तो हमेशा खबर ब्रेक की है, आप अपना एक बयान दिखा उड़न खटोला आएगा नवाज शरीफ को ले जाएगा। जिस दिन नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए हमने उसी दिन कह दिया था, ये रिकॉर्ड पे है जी फैसल साहब, निकलवा लें आर्काइव से, चलाए दुआ और फिर अगर साहब को बोले जाए या चलवाए चलाए तो आप जिम्मेदारी है निकाल लें जी, आप कहां जाएंगे ये भी बता दें। नहीं नहीं, ये फैसल हॉस्पिटल से पहले की बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर सकते फैसल साहब, ये हॉस्पिटल जाने से पहले की बात कर रहे हैं फैसल साहब, इस बात पे जिद करते रहे, अल्लाह ताला आपको भी सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, हम तो दुआ करते हैं आपके लिए भी। उसी दिन इसी दिन नवाज शरीफ हॉस्पिटल शिफ्ट हुए थे, हमने कहा था उड़न खटोला आएगा नवाज शरीफ को ले जाएगा, ये इसी प्रोग्राम में इन्हीं लफ्जों में कहा था। चले जो ठीक है जी, आप आगे बढ़ते चले ठीक है, जो जिम्मेदारी है वो पूरी करते हैं। देखिए जहाँ मामला तय होने चाहिए वहाँ मुस्लिम लीग ढूंढ के मामला तय हो गए, जहाँ से मुस्लिम लीग को अपने मामला तय करवाने थे वहाँ उनके तय हो गए। जो मुस्लिम लीग ढूंढ का ये कार्ड था ना, वोट को इज्जत दो, वो कार्ड जो है ना वो कामयाब हो गया है। इनको इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में वोट को इज्जत दिलाई जाती है, उसी तरह वोट की जो है ना इज्जत को हासिल कर लिया, वोट की तौकीर को जो है उन्होंने बरकरार रखा और इसी तरह उनको इस वोट को जो है इसी वोट के जरिए जो है वो इख्तदार की मंजिलों तक भी जो है वो बआसानी जो है वो पहुंचे और मजीद भी इस तरह जो है वो तरक्की करते हुए जो रह गए वो भी इख्तदार हासिल कर लेंगे। तो यही पाकिस्तान है, इसी तरह चलना है पाकिस्तान ने। आमिर साहब से हमें एक शिकवा है, बाकी हमें आमिर साहब से कोई शिकवा नहीं है। आमिर साहब ने जो है ना वो ये तायर अशरफी साहब को भी तोड़ लिया, अपने साथ मिला लिया, हमें पुराने तायर अशरफी साहब चाहिए भाई, सही नहीं, नहीं तायर अशरफी साहब हमारे वापस करें, वापस अपना काम नहीं ले रहे ठीक जी इलियास साहब, इन्होंने हमें आमिर साहब से सिर्फ ये शिकवा है हमारे पुराने वाले तायर अशरफी साहब वापस करें, ये उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान की सियासत है यार फैसल, वो पुराने वाले ही हैं, वो पुराने वाले ही हैं, रिजीम चेंज हो गई है, तायर अशरफी साहब में कोई चेंज नहीं है, ये गलत लग रहा है।